बेटा पेपर में आया था विद द स्टेटमेंट टू, यहाँ तक गलती है तो ये डाउटफुल, इट वॉज नॉट देयर, यहाँ तक गलती है तो भी इजी टू टेक द, यहाँ तक गलती है तो सी डिकेट्स इन द डेलीकेट्स वाले क्या होगा, डेलीकेट्स इन द कॉन्फिडेंस। अब बच्चों देखो विद द स्टेटमेंट के बाद एक वर्ड आ रहा है टू मच, क्या ऐसा कोई वर्ड होता है और क्या रोल होता है? देखो भाई टू मच बिल्कुल होता है, लेकिन ये हमेशा फॉलो होता है नाउन से, और इसी तरह ही होता है मच टू, जो या तो एडजेक्टिव से फॉलो होता है या एडवर्ब से या मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। यहां अगर देखो तो विद द स्टेटमेंट टू मच के बाद आगे लिखा है डाउटफुल, जो कि क्या है एडजेक्टिव है। तो भाई इससे पहले एडजेक्टिव से पहले कभी टू मच नहीं बल्कि मच टू होना चाहिए, तो गलती यहां पर है, टू मच नहीं बल्कि मच टू होना। अच्छा देखो एरर डिटेक्शन हमें करेक्ट नहीं करना, सिर्फ हमें पॉइंट आउट करना है जी ए आंसर हो जाएगा। हाँ अगर सेंटेंस करेक्शन होता तो क्या होता, आपको पूरा ऑप्शन में चार सेंटेंस दिए हुए होंगे कि सही कौन सा, एक में हेजिटेंस वही सेंटेंस भी होता है क्योंकि बस बंदा एरर भी होता है, तो हमें उस वक्त टच करना होता है। तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए में एरर है, बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट है बच्चों 100%।